चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हम मोलर हीट कैपेसिटीज पढ़ रहे थे, हमने आइसोबैरिक प्रोसेस की पढ़ी, हमने आइसोकोरिक प्रोसेस की पढ़ी, बाकी की भी पढ़ लेते हैं। जैसे मेन तो बड़ा हमारी आइसोबैरिक और आइसोकोरिक की मोलर हीट कैपेसिटीज ही थी, बट हमें बाकी प्रोसेस की भी पता तो होनी चाहिए ना। तो चलो सुनो, नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका सी निकालना है। बिल्कुल, सी इज डिफाइंड एज हीट पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बट वी नो दैट कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर का चेंज ही नहीं है, और अगर टेम्परेचर का चेंज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि सी इज नॉट डिफाइंड। सी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज डिविजन बाय जीरो इज ऑफकोर्स नॉट डिफाइंड। तो आप कह सकते हैं कि सी इज नॉट डिफाइंड। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइंड ही नहीं है, हालांकि कुछ बुक्स के अंदर बेटा इसको इन्फिनिटी भी लिखा रहता है। बेटा मैं भी इसको चलो एक बार के लिए इन्फिनिटी लिख देता हूँ, है ना। वैसे नॉट डिफाइंड आप लोग जानते हैं, इट इज ए बेटर वर्ड एज कम्पेयर टू इनफाइनाइट। कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं बेटा। आगे चलते, नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस याद तो है बच्चों, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मैं एक तरह से अगर देखो तो बातें बेटा रिपीट ही कर रहा हूं। हमने कभी ना कभी पहले पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन निकाला था, फिर उसकी हीट निकाली थी, आज बेटा हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं। नॉट दैट ऑफ इट्स वेरी इजी, वी नो द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हीट इज ऑफकोर्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Let's say polytropic process is like this, PV raised to power some constant is equal to some constant upon n delta t. As we know that ki delta u can be written as F by 2 nr delta t and work done. Polytropic process ke work done ka formula tha, yaad karo. P final V final minus P initial upon 1 minus A, या फिर एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस ए, जो अच्छा लगे बेटा यूज कर लो। मैंने लिख दिया दैट इज एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस अपॉन एन डेल्टा टी, एन 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 डेल्टा टी कैंसिल। बेटा इस प्रोसेस का सी मेरे पास आ गया, दैट इज एफ बाई टू आर प्लस आर अपॉन वन माइनस ए। A is of course your polytropic constant. बढ़िया बेटा, कई बुक्स में आप इसको ऐसे भी देखोगे कि इट इज सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस है, सी वी इज रिटन इंस्टेड ऑफ एफ बाई टू आर। ये बेटा हमारे C का फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, कोई बहुत इतना हाई फाई फॉर्मूला भी नहीं है, आसान सी बात बेटा। आगे चले, चलिए बेटा एक सवाल करते हैं। फाइंड, बड़ा सवाल है, एग्जाम्पल, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम गैस विच फॉलोज द प्रोसेस पी क्यूब वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बड़ा पी रेस टू पावर 3 इंटू वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ये बड़ा इसका प्रोसेस है। प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में इस तरह से रिलेटेड है हीलियम गैस के लिए, तो बताना है कि उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहली बात तो बड़ा ये देखो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, लेकिन बच्चे बोले पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो होता है ना उसमें तो पी वी रेस टू पावर ए होता है, पी पर पावर 1 होनी चाहिए। जो भी पावर होनी चाहिए बड़ा वो तो वी पर होनी चाहिए, पी पर तो पावर 1 होनी चाहिए। तो उसको कन्वर्ट कर दो पॉलीट्रोपिक के स्टाइल में, मेरे पास ये लिखा हुआ है पी क्यूब वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पूरे एक्सप्रेशन का क्यूब रूट ले लो, जैसे क्यूब रूट लिया मेरे पास आ गया पी, वी की पावर 1 बाई 3
is of course constant की power 1 by 3. Constant की power 1 by 3 is also going to be some constant. Of course different constant, but कुछ ना कुछ रहेगा तो constant ही. तो मेरे पास आ गया PV raised to power 1 by 3 is basically some constant. And I can easily say कि A की value comes out to be 1 by 3. पूछा क्या हमसे? C पूछा है. C is of course CV plus R upon 1 minus A. हीलियम गैस है बेटा. हीलियम का सी वी एफ बाई टू आर. एफ कितना होता है? 3. तो हीलियम तो बड़ा मोनोटोमिक है, दैट इज 3 बाई टू आर प्लस आर अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3, दैट इज 3 बाई टू आर प्लस आर 1 माइनस 1 बाई 3 इज ऑफ कोर्स 2 बाई 3. 3 बाई टू आर प्लस 3 बाई टू आर बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 3 आर. मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा हीलियम गैस का हमेशा ही सी की वैल्यू 3R होगी. वी नो दैट कि हीलियम का स्पेसिफिक हीट, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है. अगर इस प्रोसेस से हमारी गैस एक्सपेंड या बेटा कंप्रेस हो रही है तो सी की वैल्यू ये होगी. प्रोसेस चेंज तो सी की वैल्यू भी चेंज. इट इज नॉट टू रिमेंबर, ऑफकोर्स इट इज जस्ट ए फॉर्मूला. बेटा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए बच्चों ये बात तो आप समझ ही गए हो. एक और कर लो बड़ा, एक और कर लो. नेक्स्ट इज फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विच follows the process PT square equal to constant. Pressure into temperature का square is constant. इस process से बेटा ये गैस expand या compress हो रही, तो आपको बताना है कि इसके C की value क्या होगी. बताएंगे, लेकिन बेटा हमने जो derivation किया ना वो तो ये मान के किए कि P V की power A is equals to constant. हमने सारे के सारे जो डेरिवेशन की है, फॉर्मूले निकाले, वो तो प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम की पावर ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ये मान के की है. तो क्या करें, एक काम करो, टेम्परेचर को उड़ाओ. टेम्परेचर को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं पी वी अपॉन एन आर. सही लिखा, इसका स्क्वायर इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. पी तो ठीक है बेटा, पी का स्क्वायर पी क्यूब हो गया, वी का स्क्वायर V स्क्वायर हो गया. एन कॉन्स्टेंट है, R कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कॉन्स्टेंट, R बेटा वैसे कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. लेकिन अभी तक की बात बनी नहीं है, क्योंकि बेटा P V की पावर A था, प्रेशर पर पावर तो 1 होनी चाहिए. तो क्या करूं, क्यूब रूट ले लो. जैसे मैंने क्यूब रूट लिया, मेरे पास आ गया P V की पावर 2 by 3 इज बेसिकली कॉन्स्टेंट की पावर 1 by 3. अब यार कॉन्स्टेंट की पावर आएगा तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ही ना, ऑफकोर्स सम डिफरेंट कॉन्स्टेंट, बट आएगा तो कॉन्स्टेंट ही. कन्वर्ट हो चुका है और आपके ए की वैल्यू आ गई है 2 बाई 3. नाउ यू कुड इजिली से कि सर सी की वैल्यू आनी चाहिए सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस ए. सी वी कौन सी गैस थी बेटा? ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस है डायटोमिक. सी वी की वैल्यू होती है एफ बाई टू आर. बेटा बोल देना दैट इज F by 2R. Diatomic का degree of freedom 5. तो 5 by 2R plus R upon 1 minus 2 by 3. मेरे पास यह आ गया 5 by 2R plus 1 minus 2 by 3 is 1 by 3. बेटा ऊपर आ गया 3R. I think it comes out to be 11R by 2. बेटा आपका आंसर आ गया. ये बेटा आपका आंसर है. चाहो तो उसको जूल वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो. बड़ा आर की तुम जानते हो 25 बाई 3 या फिर बड़ा 8.314 रख दो तो आप जूल में भी निकाल सकते हो कि ऑक्सीजन की इस प्रोसेस का सी कितना होगा. सॉरी आप इस प्रोसेस वाली बात पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? इसलिए कि अलग अलग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का जो सी है वो अलग अलग आएगा. ठीक, अलग अलग आएगा. आगे चले नेक्स्ट. चलिए बेटा हम लोगों ने काफी हद तक C की वैल्यू देख ली है, मोलर हीट कैपेसिटी देख ली है, समझ ली है, और किसी भी प्रोसेस का हम C बड़े आराम से निकाल सकते हैं. बस हमें वो प्रोसेस दे रखा हो ऑफकोर्स, है ना, हमने याद भी कर ली
खास तौर से कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो सी की वैल्यू है वो तो अपन ने याद भी कर ली, बड़ा मस्ट ही है याद करना, है ना। आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। बस साइक्लिक प्रोसेस में होगा क्या कि जो आपकी गैस की इनिशियल स्टेट थी वही उसकी फाइनल स्टेट हो जाएगी, मतलब जो उसका शुरुआत में प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर था वही उसका फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। और ऑफ कोर्स पहले बड़ा वहाँ से टेम्परेचर बढ़ा होगा, फिर टेम्परेचर घटा होगा, प्रेशर बढ़ा होगा, वॉल्यूम बढ़ा होगा, घटा होगा, और यूँ चलते चलते बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होंगे और उन सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से गैस एग्जैक्टली वहीं पहुँच जाएगी जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। व्हेन आई से जहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम हो जाएगा, और इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेकिन इस दौरान इनिशियल और फाइनल सेम होने के दौरान बीच में हो सकता है बड़ा एक्सपेंशन हुआ हो, फिर कंप्रेशन हुआ हो, पहले हीट हुआ हो, फिर कूल हुआ हो, फिर प्रेशर बढ़ा हो, फिर घटाओ, और देर मे बी एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द वे। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रोसेसेस इन विच आई एम जस्ट सेइंग दैट कि फाइनल प्रेशर फाइनल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। सो आप कह सकते हो कि साइक्लिक प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये जरूर है कि फाइनल प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम जो है बड़ा वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर जो है बड़ा गैस का वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। और फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर अगर बराबर हो जाएगा तो ऑफ कोर्स पूरे के पूरे प्रोसेस का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो तो आपकी जीरो आ जाएगी, क्योंकि बेटा इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पर डिपेंड करती ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी का चेंज तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या है। अगर दोनों टेम्परेचर सेम तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो सेम चल जाएगा मार्ग। चलिए बच्चों, इस पूरे के पूरे साइक्लिक प्रोसेस का हम अच्छा खासा पोस्टमार्टम करते हैं, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। इस साइक्लिक प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए भी देखेंगे क्योंकि हमने अब तक जितने प्रोसेस देखे हैं ना उन सब के फॉर्मूले का एक तरह से यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। सो आराम से इत्मीनान से करो और ये मान के चलो कि एक आधा सवाल अपन एक्स्ट्रा ही करेंगे, जिससे ऑफकोर्स रिवीजन भी तुम्हारा हो ही रहा है, हमने जो फॉर्मूला याद कर रखे हैं उन्हीं फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी हो जाएगा। तो आराम आराम से देखना, खास तौर से बड़ा ग्राफ बेस्ड सवाल होंगे, सवाल काफ़ी हद तक बड़ा ऐसा। पहला सवाल मैं करके दिखा रहा हूँ, तुम समझ जाना कि सर इस सवाल में क्या क्या गलत है, सर के इस सवाल में हमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अगले सवाल से आप करना बन जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, कोई हीलियम गैस है और उस हीलियम गैस का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो ग्राफ है इट इज समथिंग लाइक दिस। उस गैस का हीलियम गैस का इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट और इनिशियल प्रेशर है पी नॉट। ठीक है बेटा, पहले हमने उस गैस को आइसोकोरिकली हीट किया, बेटा हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते 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 बढ़ता 3P0 हो गया बेटा। ये मैं ए बोल दूं बेटा, इस पॉइंट को मैं बी बोल दूं। जैसे प्रेशर 3P0 हो गया उसके बाद मैंने उसको एक्सपेंशन किया, क्या किया बेटा एक्सपेंशन, आइसोबेरिकली एक्सपेंशन किया, आइसोबेरिकली एक्सपेंशन किया तो ऑब्वियस बात है प्रेशर तो वही रहेगा, हाँ वॉल्यूम जरूर बड़ा बढ़ रहा है, वॉल्यूम बड़ा बढ़ाते बढ़ाते मैंने 4V0 कर दिया। पहले अगर वॉल्यूम V0 था तो नया वॉल्यूम मैंने 4V0 कर दिया, फिर मैंने इसका आइसोकोरिक कूलिंग की, आइसोकोरिक कूलिंग करोगे तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, कूलिंग है मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हो तुम किसी तरह से, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो ऑफकोर्स बड़ा प्रेशर भी कम होगा, इट विल गो लाइक दिस।
और बड़ा यूं चलते 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 प्रेशर बड़ा मैंने इसका वापस से वही कर दिया बड़ा मैं इस पॉइंट को बड़ा सी कह दूं इस पॉइंट को डी कह दूं फिर मैंने बड़ा इसका वापस से आइसोबैरिक कंप्रेशन किया कंप्रेशन किया मतलब मैंने वॉल्यूम घटाया 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 देखो ध्यान से देखो फिर वापस वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट हुआ था इनिशियल प्रेशर पी नॉट फाइनल प्रेशर पी नॉट इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट फाइनल वॉल्यूम भी वी नॉट इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो ऑफकोर्स टेम्परेचर भी सेम ही होगा ये सारा का सारा आपका प्रोसेस है ये आपने किसके साथ किया ये बेटा आपने हीलियम गैस के साथ किया अच्छी बात है बेटा जो कहूं वही करेंगे बेटा है ना हालांकि ग्यारह साल तो मैं कर रहा हूं तो तुम देख सकते हो कि यार सर क्या क्या करता है बेटा मैं एक चार्ट बना रहा हूं इस चार्ट में सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है फिर आपको बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है फिर आपको बताना है कि इसमें इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज है और इस प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान कितना है ये बताना है ठीक है सबसे पहले ये काम करो प्रोसेस ए से बी के लिए फिर यही काम बड़ा करो प्रोसेस बी से सी के लिए फिर यही काम करो प्रोसेस सी से डी के लिए फिर बड़ा ये काम करो डी से ए के लिए और फिर पूरे के लिए मतलब था ए से बी बी से सी सी से डी डी से ए पूरे के लिए आराम से इत्मीनान से बड़ा पहला सवाल है मैं करूंगा तुम आराम से समझो ना ए से बी वॉल्यूम फिक्स है यहां भी वॉल्यूम वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट वॉल्यूम फिक्स है ऑफ कोर्स द प्रोसेस इज आइसोकोरिक एंड इफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक वी नो दैट बेटा वर्क डन विल बी जीरो वी रिमेंबर द फॉर्मूला आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर बड़ा वर्क डन तो जीरो होता है ए से बी तक बड़ा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी आप बिल्कुल बेझिझक बोलोगे कि सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मैंने तो ये वाला फॉर्मूला याद किया एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी सर आपने ये याद कराया मेरे को बिल्कुल बेटा 3/2 सी हीलियम था ना बेटा इसलिए एफ के लिए 3 एन आर डेल्टा टी इज ऑफ कोर्स एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 एन आर टी फाइनल इज ऑफ कोर्स पी फाइनल वी फाइनल एन आर टी इनिशियल इज ऑफ कोर्स पी इनिशियल वी इनिशियल आई नो दैट कि यहां से यहां तक आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम है वी नॉट बड़ा बाहर निकाल लो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बड़ा मैंने उसको डेल्टा पी लिख दिया ये मत सोचना कि कोई नया फॉर्मूला आ गया ये सिर्फ और सिर्फ आपका एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी को लिखने का नया तरीका है फॉर्मूला नहीं है हालांकि हम बड़ा थ्योरी में पहले लिख चुके हैं लेकिन हो सकता है बच्चे को नया दो तुमने वापस लिख दिया तो आप कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी का चेंज आ गया है 3/2 वॉल्यूम बड़ा ऑफकोर्स पूरे रास्ते वी नॉट डेल्टा पी इज ऑफकोर्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल दैट इज 2p0 बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 3p0 फिर ना वर्क डन बेटा प्रोसेस का पता है डेल्टा यू प्रोसेस का पता है तो हीट कितनी होगी हीट इज ऑफ कोर्स वर्क डन प्लस डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू दैट इज 3 times p0 v0 दैट इज बेटा 3 times p0 v0 फिर ना हीट पॉजिटिव आई है इस बात का मतलब यह है कि आपने हीलियम को हीट दी है कितनी दी है 3 times p0 हीट बेटा पॉजिटिव आई है इसलिए आपने हीलियम गैस को हीट दी है बढ़िया आगे चले नेक्स्ट इज बी से सी ऑफ कोर्स प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर इज कांस्टेंट आइसोबैरिक
वर्क डन, व्हाट्स द फॉर्मूला? वर्क डन का बड़ा फॉर्मूला मेरे ख्याल से होता है पी डेल्टा वी, आइसोबैरिक प्रोसेस में। पी मतलब प्रेशर, बी से सी तक पूरे रास्ते प्रेशर है 3P0, डेल्टा वी ऑब्वियसली मीन्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल है 4V0, वी इनिशियल है V0, तो 4V0 माइनस V0 इज योर चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज 3V0, इट कम्स आउट टू बी 9 टाइम्स P0 V0, फेयर एनफ। व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, हमेशा बड़ा उसका फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी इज ऑफ कोर्स NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल, एंड NRT फाइनल इज P फाइनल V फाइनल, NRT इनिशियल इज ऑफ कोर्स P इनिशियल V इनिशियल। लेकिन अब यहां से यहां तक कौन कॉमन है? आप बोलो सर यहां से यहां तक प्रेशर कॉमन है, बाहर निकाल लो बेटा, प्रेशर कॉमन है बाहर निकाल लो बेटा, P बाहर निकाल लिया, P V फाइनल माइनस V इनिशियल इज ऑफ कोर्स डेल्टा। तो आप कह सकते हो कि एक बार फॉर्मूला बन गया है, एक तरीके से क्या बन गया है, 3/2 टाइम्स प्रेशर इनटू डेल्टा वी। बेटा यहां से यहां तक आखिर प्रेशर जो कांस्टेंट है वो है कितना? आप बोलोगे सर प्रेशर तो 3P0 है इनटू डेल्टा वी, डेल्टा वी ऑब्वियसली मींस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज ऑफ कोर्स 3P0। समझ गए मेरे बच्चे? I think it is 27/2 P0 V0। ठीक है बेटा, मुझे पूछा है कि इस B से C तक आपने हीट का कितना आदान प्रदान है? हीट बाय थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लो विल बी वर्क डन प्लस डेल्टा, बेटा दोनों को ऐड करना, 9 + 27/2 45/2 दैट इज 45/2 P0 V0। ये बेटा हीट फिर से पॉजिटिव आई है, इसका मतलब आपने बेटा सिस्टम को हीट दी है, आपने हीलियम गैस को हीट दी है। कितनी हीट दी है? 5/2 P0 V0। आगे चलें, सी से डी ऑफ कोर्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द प्रोसेस मस्ट बी आइसोकोरिक, व्हाट विल बी द वर्क डन? 0। ओके बेटा 0 आएगा और क्या है? व्हाट विल बी द डेल्टा यू? डेल्टा यू आइसोकोरिक प्रोसेस है डेल्टा यू, बेटा बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आइसोकोरिक प्रोसेस में तुम F/2 NR डेल्टा टी लिखोगे तो इसको तुम F/2 V∆P भी लिख सकते हो, F/2 V∆P भी लिख सकते हो, बार बार लिखा रखा बेटा तुमने, अपने क्या लिखा बेटा? F/2 V∆P। सी से डी तक वी है कितना? आप बोलोगे 4V0 इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी ऑब्वियस मीन्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी नॉट माइनस 3P0 दैट इज -2P0। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, बट मेरे ख्याल से -12P0 V0 आ गया होगा। वर्क डन 0 है, डेल्टा यू बेटा -12P0, बेटा माइनस क्या पता ना, इंटरनल एनर्जी का चेंज, इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव इसलिए क्योंकि टेम्परेचर घटा है, ठीक है, इसलिए। बट इन दोनों को ऐड किया तो हीट आ गया -12P0 V0। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता चुका हूँ, हीट नेगेटिव आई है, इसका मतलब आपने सिस्टम को हीट दी नहीं है, आपने सिस्टम में से हीट निकाली है, आपने सिस्टम में से हीट निकाली। कितनी निकाली है? फिर से बताओ, सी से डी तक आपने कितनी हीट बाहर निकाली है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर मैंने हीट बाहर निकाली है 12P0 V0। तुम में से कुछ बच्चे माइनस तो नहीं बोल रहे बेटा? मैंने बोल तो दिया कितनी बाहर निकाली है। अगर कोई तुमसे पूछे कि सी से डी तक डेल्टा क्यू क्या है तो जवाब देना -12P0 V0। माइनस का मतलब क्या है? कि हीट बाहर निकली है। लेकिन सवाल में अगर आपसे यह पूछ लो कितनी हीट बाहर निकली है तो क्या जवाब दोगे? अब माइनस थोड़ी बोलोगे, अब तो ही बोलोगे ना कि सर 12P0 V0, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया सर कि बाहर निकल रही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो हीट बाहर निकल रही है उसकी वैल्यू बताएंगे ना, बाहर निकल रही है तो आप बोल ही रहे हो, तो ये आपके पास आ गया 12P0 V0। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा डेल्टा क्यू 12P0 V0 है, डेल्टा क्यू तो -12P0 V0 ही है। लेकिन कोई तुमसे पूछ लेगी कितनी हीट बाहर निकली है तब तो 12P0 V0 बोलोगे, माइनस का अर्थ ही है ताकि हीट बाहर निकलेगी, वही पूछा। डी से ए आए,
बेटा फिर से प्रेशर कांस्टेंट, इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन, बेटा वर्क डन इज ऑफ कोर्स पी डेल्टा वी. डी से ए तक प्रेशर कांस्टेंट है, कितना है पी नॉट इनटू डेल्टा वी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज माइनस थ्री वी नॉट. मेरे पास आ गया माइनस थ्री पी नॉट वी नॉट. वर्क डन नेगेटिव क्यों है, तुम लोग बड़ा बढ़िया से भले तरीके से जानते हो. वर्क डन इसलिए नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम आपका घटा है. व्हाट इज डेल्टा यू, आइसोबैरिक प्रोसेस है. आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू का फॉर्मूला एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी होता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, मैं उसको लिख सकता हूं एफ बाई टू पी डेल्टा वी. अरे एफ बाई टू कहां गया, ये रहा एफ बाई टू पी डेल्टा वी. बड़ा बोलना एफ कितना है थ्री बाई टू पी. बड़ा यहां से तक प्रेशर कितना है पी नॉट. डेल्टा वी इज ऑफकोर्स दिस माइनस दिस, दैट इज माइनस थ्री वी. मेरे पास बड़ा ये आ गया माइनस नाइन बाई टू पी नॉट वी नॉट. माइनस नाइन बाई टू पी नॉट वी नॉट, अच्छी बात बेटा. हीट कितनी होगी, दोनों को जोड़ लो बेटा. मेरे पास आ गया शायद माइनस फिफ्टीन बाई टू पी नॉट वी नॉट. माइनस फिफ्टीन बाई टू पी नॉट वी नॉट, बड़ा दोनों ऐड करना. डेल्टा क्यू इज ऑलवेज वर्क डन प्लस डेल्टा यू. बेटा माइनस थ्री माइनस नाइन बाई टू बेटा कितना हो गया माइनस फिफ्टीन बाई टू. सही तो जुड़ा मैंने यार. हाँ अगेन बेटा हीट नेगेटिव आई है, इसका मतलब डी से ए तक जो आपका प्रोसेस है बेटा उसके अंदर आपने सिस्टम में से हीट बाहर निकाली है. अब कोई तुमसे पूछ ले कि तुमने कितनी हीट बाहर निकाली तो क्या जवाब दोगे बेटा, 15 बाई टू पी नॉट वी नॉट बोलोगे या माइनस 15 बाई टू पी नॉट वी नॉट बोलोगे. तो हर समझदार बच्चा बोलेगा कि सर हीट बाहर निकल रही है, आप अगर बोल रहे हो तो मुझे माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही मान रहे हो कि हीट बाहर निकल रही है. तो मैं बोलूंगा हीट बाहर निकल रही है 15 बाई टू टाइम्स पी नॉट वी नॉट. ठीक है बच्चा, अब पूरा जो प्रोसेस है ए से डी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, इस पूरे प्रोसेस को मैं नाम दे सकता हूं साइक्लिक. कितना वो वर्क डन होगा ऐड कर लो, यहां जीरो, यहां इतना, यहां इतना, चारों प्रोसेस का वर्डन पता है तो पूरे प्रोसेस का वर्डन क्या होगा जोड़ दो. मेरे ख्याल से सिक्स टाइम्स पी नॉट वी नॉट आ गया होगा. ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्डन है ये आप एक तरीके से और निकाल सकते हो. क्या कर सकते हो बेटा, कि अगर आपके पास इस तरह का कर्व है ऐसे, अगर ये प्रेशर है और बड़ा ये अगर वॉल्यूम है, तो अगर इस तरह से आपके पास क्लॉकवाइज कर्व है तो बड़ा वर्डन पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा थोड़ा वर्डन नेगेटिव आएगा. निकाल के देख लेना और वर्क डन की जो वैल्यू होगी बेटा वो इस पूरे के पूरे कर्व के अंदर के एरिया के बराबर आएगा. चेक करो बेटा ये वाला एरिया कितना है, लेंथ इनटू विड्थ. ये लेंथ है आपके पास थ्री वी नॉट, ये बेटा आपके पास है टू पी नॉट, दैट इज थ्री वी नॉट इंटू टू पी नॉट मल्टीप्लाई किया बेटा दैट कम्स आउट टू बी सिक्स पी नॉट. तो हमेशा आपको ये जो कर्व है इसका जो एरिया है ये आपको हमेशा टोटल वर्डन दे देगा. तो कल को बेटा मान लो कि ये अगर एरो ऐसे ऐसे हुई तो बेटा, अगर एरो ऐसे ऐसे हुई तो आपका टोटल वर्डन नेगेटिव आएगा. कारण तुम समझ गए होंगे, ये वाला वर्डन बेटा बड़ा आएगा, ये वाला छोटा आएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो नेट क्या होगा नेगेटिव होगा. ठीक है, तो वो तुम देख भी लेना, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम है नहीं. सर डेल्टा यू क्या होगा बेटा, चार प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस में डेल्टा यू तुमने निकाल रखा है, जोड़ लो 3 and 27 by 2 बेटा कितना हो गया 35/2 नहीं 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 33/2 माइनस 9/2 बेटा 33/2 माइनस 9/2 कितना हो गया माइनस 24/2 माइनस 24/2 कितना हो गया माइनस 12 पी नॉट वी नॉट माइनस 12 बेटा कितना आ गया जीरो. चारों को जोड़ दो बेटा जीरो आ जाना चाहिए, जोड़ दो बेटा जीरो आ गया होगा, जीरो आ गया होगा, ये जीरो. फेयर एनफ, डेल्टा यू तो जीरो आना था, चारों को जोड़ने के बाद जीरो आया है, मैंने जोड़ा है फिर जीरो लिखा है. लेकिन कोई भी समझदार बच्चा मिलेगा सर जीरो क्या जोड़ने की जरूरत थी, जीरो ही आना था, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है. और अगर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है, प्रोसेस कुछ भी हो, हमारी इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, दोनों टेम्परेचर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरे प्रोसेस का तो जीरो आना चाहिए था, जीरो यार. सर हीट क्या होगी बेटा, हीट होगी इन चारों को जोड़ना, जोड़ना बेटा
3 प्लस 45 बाई 2 51 बाई 2 हो गया, है ना, यही हो ना। माइनस 12 माइनस 15 बाई 2 कितना हो गया, माइनस 24 और बड़ा 15 39 बाई 2 पी नॉट 51 माइनस 39 बेटा कितना हो गया 12, 12 बाई 2 कितना हो गया 6 पी नॉट वी नॉट। बड़ा पूरे प्रोसेस का अगर कोई मुझसे पूछे डेल्टा क्यू कितना होगा 6 पी नॉट वी नॉट, ये डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू पूरे प्रोसेस का डेल्टा क्यू कर दिया। एक तरीके से और कह सकता था कि पूरे प्रोसेस का वर्क डन पता है, पूरे प्रोसेस का डेल्टा यू पता है, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, इन चारों का सम भी आना चाहिए और इन दोनों का सम भी आना चाहिए, ये तो हमेशा जीरो होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ऐसे मेरा आंसर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अच्छा काम था, बढ़िया काम था, हमने बड़े इत्मीनान से बड़े प्यार से सारा सारा काम बेटा किया है। अब मैं यहां पर एक नई टर्म और सिखाना चाहता हूं, नई टर्म और सिखाना चाहता हूं, एंड दैट इज एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। बड़ा इस पूरे के पूरे साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी परसेंटेज में, एफिशिएंसी हमेशा होगी इस पूरी साइकिल में गैस ने कितना वर्क डन किया है डिवाइडेड बाय पूरी हीट, नहीं पूरी हीट नहीं बेटा, अगर वर्क डन को तुम पूरी हीट से अगर डिवाइड करोगे तो 100% आएगा। जैसे 100% आ जाए समझ जाना गलत था, फॉर्मूले में वर्क डन अपॉन सिर्फ क्यू इन लिखना है, क्यू इन मतलब कितनी हीट आपने दी है बस, वर्क डन अपॉन पूरा डेल्टा क्यू लिख दिया तो बड़ा आपका आंसर 100% आ जाएगा। ना ना ना, सिर्फ और सिर्फ गैस ने कितना वर्क डन किया डिवाइड बाय आपने गैस को कितनी हीट दी, दिस फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी योर एफिशियंसी इन परसेंटेज। कितना वर्क डन किया आपकी साइकिल ने, आप बोलो सर मेरी पूरी साइकिल ने, साइकिल में बड़ा इस गैस को हमने जो साइकिल प्रोसेस के अंदर चलाया है उसने वर्क डन किया है 6 पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाय पूरी हीट, नहीं बेटा पूरी हीट लिख दोगे तो 100% आंसर आएगा, 100% आते ही समझ जाना है गलती हो गई है, दिस इज ओनली क्यू इन, आपने कितनी हीट दी, चार प्रोसेस में से आपने दो प्रोसेस में तो हीट बाहर निकाली है, है कि नहीं बेटा, बाहर निकाली, सिर्फ दो प्रोसेस में आपने हीट दी है, दिस एंड दिस, इन दोनों को ऐड कर बड़ा कितना आ गया 3 प्लस 45 बाई 2 इंटू पी नॉट वी नॉट, परसेंटेज में निकाल ली इसलिए 100 पी नॉट वी नॉट दैट इज 12 अपॉन बड़ा 45 प्लस 6 51 बड़ा 400 बाई 17% बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना सही तो क्या मैंने बड़ा शायद सही क्या होगा ठीक है ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है। याद रखना बेटा एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी वर्क डन डिवाइड बाई कितनी हीट दी है पूरी हीट नहीं पूरी हीट अगर लिखोगे तो आपका आंसर 100% आ जाएगा। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ हमें कौन से वाली हीट से मतलब है जो हीट आपने सिस्टम को दी है जो बाहर निकल रही है बेटा हीट उसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा हालांकि हमारा आंसर आ गया है अपन मुझे ऐसा लगता है कि हम सारी की सारी बात समझ भी गए हैं बट मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं यार है ना सुनना इसी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ना कुछ बुक्स में एक स्टाइल से और लिखा रहता है सुनना हमने क्या फॉर्मूला सीखा W अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाइड बाई 100 ये सीखा। अब बच्चा कह सकता है कि सर वर्क डन और डेल्टा क्यू तो बराबर होगा हाँ बेटा बिल्कुल बराबर होगा तो वर्क डन को मैं लिख दिया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाइड बाई 100 ये डेल्टा भाई वर्क डन और डेल्टा क्यू तो बराबर ही ना इस डेल्टा क्यू को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं डेल्टा क्यू मतलब पूरी हीट का आदान प्रदान तो आप कह सकते हो कितनी हीट दी माइनस कितनी हीट निकाली डिवाइडेड बाई क्यू इन
डेल्टा क्यू बटा हमेशा क्या होगा, डेल्टा क्यू बटा क्या होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये होगा डेल्टा क्यू, करके देख लो, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस, यही तो बड़ा होगा डेल्टा क्यू था। तो क्यू इन माइनस क्यू आउट, कितनी दी माइनस कितनी निकाल ली, वही आपका डेल्टा क्यू है, और मल्टीप्लाई विद 100। और यहां से कई बुक्स में एक फॉर्मूला और लिखा रहता है, वन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इनटू 100। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ऐसा मत सोचना कि यार सेंड पे ना एक फॉर्मूला बताया दूसरे बताया, बेटा सेम है, मैं क्या बताऊं, वैल्यूज रख के देख लो यार, अब आपको मेरे पे बात पे भरोसा ना हो, एक बार वैल्यूज रख के देख लो। दैट इज वन माइनस क्यू आउट, बड़ा कितनी हीट बाहर निकली है, बाहर निकली है दिस प्लस दिस, 12 प्लस 15 बाई टू पी नॉट वी नॉट अपॉन क्यू इन, क्यू इन कितना है, दिस प्लस दिस, बड़ा ये कितना आया था 51 बाई टू पी नॉट वी नॉट, ये आया था ना, बड़ा कितना हो गया 24 और बड़ा 15 39, फिफ्टी वन माइनस 39 बड़ा कितना हो गया 12 अपॉन 51 इंटू 100%, बड़ा 3 से डिवाइड होगा तो 400 बाई 17%। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपकी सहूलियत हो, जो दिमाग में सेट हो, बड़ा वो यूज़ करो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना अच्छा, बड़ा ये यूज़ करो, बड़ा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना अच्छा, बड़ा ये यूज़ करो, और दोनों में कोई बहुत बड़ा ऐसे बेसिक अंतर भी नहीं है बेटा कि मैं आपको कहूँ कि बेटा मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा नहीं लगता, अदरवाइज़ कोई भी इस तरह का फॉर्मूला होता मैं बोलता हूँ कि बेटा देख मेरे को तो ये वाला पसंद है, नहीं यहाँ पर कोई खास ऐसा डिफरेंस है नहीं, एक जैसे से लग रहा है, कोई सा लगा दो, हर एक से आंसर आएगा, है। चलिए बच्चों, इस पूरे के पूरे सवाल को मैंने किया है, ठीक है, और मेरे करने के पीछे कारण भी था कि मैं चाहता था कि तुम लोग है ना समझ जाओ कि सर है ना कोई भी सवाल अगर पूछेंगे तो सर हमसे सवाल के अंदर क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें करना है एंड टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इत्मीनान से बड़ा सवाल करना, यही सवालों की जो प्रैक्टिस है वही तो बेस्ट है, इन सवालों पर बेस्ड बड़ा आपको ना हर बुक में हर शीट में डीवी पे में मॉड्यूल में रही सवाल दिखते हैं बार बार, ये कर ले सारे हो जाएंगे। तो बड़ा हम है ना थोड़े सवाल ज़्यादा करेंगे, जल्दी जल्दी करो, है ना, मतलब जल्दी जल्दी मतलब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, तुम तो बड़ा आराम आराम से करो, ये वॉल्यूम ये प्रेशर, और कोई गैस है बेटा वो ऐसे प्रोसेस को फॉलो कर रही है, टेक योर टाइम बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऑक्सीजन गैस की बात चल रही है, यहां प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट, यहां बड़ा प्रेशर 5P0, उस पर बड़ा नीचे तो वॉल्यूम है, तो यहां बड़ा वॉल्यूम है वी नॉट, यहां बड़ा प्रेशर है पी नॉट, यहां बड़ा आपका वॉल्यूम 5P0, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी, ए से बी आए तो आइसोबैरिक, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा प्रेशर बड़ा क्या है कांस्टेंट, ये पता नहीं बड़ा ऐसा इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये है बड़ा वो जिसमें आइसोकोरिक, ये आपका आइसोकोरिक वॉल्यूम फिक्स, ऑक्सीजन गैस है, पहले ए से बी गए फिर बड़ा बी से सी गए फिर सी से वापस से ए आए, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम है कंप्लीट द चार्ट,
बेटा चार्ट को कंप्लीट करो, पहले आपको वर्क डन लिखना है, फिर आपको उस प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो लिखना है, और सबसे आखिर में आपने कितनी हीट दी है या निकाली है वो लिखना है। पहले ये सारा का सारा काम ए से बी प्रोसेस के लिए करें, फिर ये सारा का सारा काम बेटा आप बी से सी के लिए करें, और फिर बेटा ये सारा का सारा काम आप सी से ए के लिए करें, और जब सारा हो जाए फिर ए से बी के लिए, बी से सी के लिए और सी से ए के लिए करें। छोटा सा काम है, आराम से करें। मैंने सवाल लिख तो दिया बेटा, फिर भी कुछ बच्चे ना ये सोच रहे हैं कि सर सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, सर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। बेटा पहले बोल दो, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन सवाल करने के लिए चाहिए बेटा सारी इन्फॉर्मेशन सवाल में गिवन है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में ऐसी बात है कि सर आपने कुछ ना कुछ मिस किया है सवाल में। बेटा कुछ मिस नहीं किया, और समझदार बच्चा बड़े आराम से हर बात को रिलेट कर लेगा, कुछ मिसिंग नहीं है इसके अंदर, सब परफेक्ट है, सब बता दिया, आंसर बड़े आराम से आएंगे इतनी इस इन्फॉर्मेशन से, नथिंग इज मिसिंग। बड़ा जिन बच्चों को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मैं उनको थोड़ा सा बताता हूं, सुनना। ए पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, सॉरी बेटा वी नॉट नहीं, 5V0। बी वाले पॉइंट पर वॉल्यूम वी नॉट है, प्रेशर पी नॉट है। सी वाले पॉइंट पर वॉल्यूम तो 5V0 है, बच्चे सोच रहे हैं सर प्रेशर क्या है, सर ने प्रेशर दिया ही नहीं, सर कैसे करें सवाल, प्रेशर नहीं पता सवाल कैसे करें, निकालो प्रेशर आना चाहिए आपको, मैं सिखाता हूं। ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर पी नॉट अपॉन बेस, बेस इज वी नॉट, शुड बी इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर, बट मान लेता हूं कि यहां का प्रेशर पी है, तो ये बड़ा हाइट कितनी होगी, ये पी अपॉन बेस, बेस कितना है बेटा 5V0, V नॉट से V नॉट कैंसिल, प्रेशर की वैल्यू आ गई है 5 times V0। ले बेटा यहां पर प्रेशर मेरे पास आ गया 5V0। अब तो कर लो बेटा, ये इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन में आनी चाहिए थी, निकाल कम से कम बेटा, अब ये सारा का सारा सवाल निपटा लो। चलिए बेटा ए से बी प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का वर्णन होता है प्रेशर, प्रेशर है पी नॉट पूरे रास्ते इनटू डेल्टा वी, डेल्टा वी ऑलवेज मींस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी नॉट माइनस 5V0 इज ऑफ कोर्स माइनस 4P0, सॉरी माइनस 4V0, आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 4 times पी नॉट, नेगेटिव तो बड़ा आना ही था, नेगेटिव तो आना ही था, नेगेटिव क्यों आना था बेटा, वॉल्यूम घट रहा है, और ए से बी तक का जो वर्क डन है नेगेटिव में है, लेकिन ऑफ कोर्स इस एरिया के बराबर है, नेगेटिव में इस एरिया के बराबर है, बिकॉज एरिया अंडर पीवी कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू योर वर्क डन, अच्छी बात है। डेल्टा यू क्या होगा,
डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एफ बाई टू, बड़ा ऑक्सीजन गैस है तो फाइव बाई टू एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी इज पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। बड़ा यहां से यहां तक पी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल तो डेल्टा वी। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अभी रखता हूं बेटा 5 बाय टू, व्हाट्स द प्रेशर पी नॉट, व्हाट इज डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दैट इज माइनस 4 वी नॉट, दैट इज माइनस 10 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। डेल्टा क्यू क्या होगा, इन दोनों का समेशन, दैट इज माइनस 14 टाइम्स पी नॉट। This minus sign is representing that we has taken some heat out of the system. हमने सिस्टम में से हीट बाहर निकाली है। कितनी हीट बाहर निकाली है आपने? तो आप बोलो सर, अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि मैंने कितनी हीट बाहर निकाली है तो मैं माइनस नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इट इज 14 पी नॉट वी नॉट, क्योंकि बाहर निकाली ये शब्द आप खुद ही यूज कर रहे हो। अच्छी बात है। बी से सी, इसका वर्डन निकालना है, कई तरीके हो सकते हैं बेटा। कोई बच्चा अगर बिल्कुल दिमाग ना लगाए ना और सिर्फ मैथमेटिक्स लगाए तब भी वो आंसर निकाल सकता है। वो कहेगा देखो सर, इट इज समथिंग लाइक बी से सी जो है ना, इट इज समथिंग लाइक स्ट्रेट लाइन, बट इट इज समथिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, वेयर एम इज द स्लोप एंड स्लोप इज ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट। वाई नहीं बेटा, वाई में तो पी है, एक्स नहीं बेटा, एक्स में तो वॉल्यूम है। मैं लिख सकता हूं पी वी की पावर माइनस वन इज एम, एम इज ऑफकोर्स स्लोप एंड स्लोप इज कॉन्स्टेंट। पी वी की पावर माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, देखा देखा लग रहा है तो पी वी की पावर माइनस वन इज कॉन्स्टेंट। अरे तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, और वो भी ऐसा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जिसके लिए हमारा जो पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू माइनस वन है। हम बड़े इत्मीनान से कहेंगे कि इसके वर्क डन का फॉर्मूला तो हम घोट घाट के बैठे हैं बेटा, बैठे हैं ना घोट घाट के, घोट घाट के मतलब याद करके बैठे हैं। पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन वन माइनस है, बेटा वैल्यूज पटक दो आंसर आ जाएगा। मैं क्या करूँ इसमें, बहुत आसान है। तो पी फाइनल वी फाइनल, फाइनल यहां से अंदर, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम 25 पी नॉट वी नॉट, माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम पी नॉट वी नॉट अपॉन वन माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन, माइनस वन कितना प्लस, बड़ा 25 में से एक गया 24, 24 बड़े तो कितना हो गया 12। ले बेटा वर्डन आ गया 12 टाइम्स पी नॉट वी नॉट, बढ़िया आंसर आ गया। लेकिन ये तो मैथ्स थी बेटा कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन है फलाना ढिकाना, ठीक है। जिस बच्चे को फिजिक्स आती होगी ना वो बी से सी के वर्क डन को एक तरीके से और सोचेगा, वो कहेगा कि सर वर्क डन तो आपके एरिया अंडर द कर्व के बराबर होती है, तो अगर आपको बी से सी का अगर वर्क डन चाहिए तो बी से सी के नीचे जितना एरिया है वो सारा लिख, ये सारा एरिया लिख दो, ये सारा एरिया, ये तो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये तो 5 पी नॉट, ये है वी पी नॉट, कितना हो गया 6 पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच सेपरेशन 4 वी नॉट, बड़ा कितना आ गया 12 पी नॉट। अरे तो और आसान तरीके से आ गया, अच्छी बात है। आपको ये पसंद है ये यूज करो, वो पसंद है, समझ में दोनों आने चाहिए यार, तभी तो दिमाग बढ़ेगा, है ना, ठीक है। हमें कौन सा कोई इन इन सवालों से मतलब है, हमें हमारे दिमाग से मतलब है कि हमारा दिमाग बढ़ना चाहिए, एक ही सिचुएशन को हम अलग अलग तरीके से सोच पाए, इतना दिमाग तुम्हारे ना होना चाहिए। डेल्टा यू सर, डेल्टा यू का फॉर्मूला, अरे बेटा डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एफ बाई टू एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी इज ऑफकोर्स एनआर टी फाइनल माइनस एनआर टी इनिशियल, एनआर टी फाइनल कैन बी रिटन एज पी फाइनल वी फाइनल, एनआर टी इनिशियल कैन बी रिटन एज पी इनिशियल वी इनिशियल। सिर्फ वैल्यूज पटकनी है, पी फाइनल वी फाइनल इज 25 पी नॉट वी नॉट,
P initial is P naught V naught. बड़ा कितना आ गया 60 times P naught. यही है ना बड़ा, हाँ 60 times P naught. वर्क डन पता है, डेल्टा यू पता है, हीट क्या होगी, दिस प्लस दिस, दैट इज 72 टाइम्स पी नॉट वी नॉट. बड़ा ये तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मैंने सिस्टम को हीट दी है. कितनी हीट दी है, 72 टाइम्स पी नॉट वी नॉट. बड़ा एरो ध्यान रखना, बाहर निकाल रहा हूं मतलब बड़ा हीट बाहर निकल रही है, बड़ा एरो अंदर की तरफ है मतलब बड़ा हीट दी है. सबसे आसान सी से ए प्रोसेस यार, सी से ए वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बड़ा वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ऑफ कोर्स वर्क डन विल बी जीरो. सी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट है, बड़ा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन तो जीरो आएगा. अच्छी बात है. डेल्टा यू इज ऑफ कोर्स एफ बाई टू एनआर टी फाइनल माइनस एनआर टी इनिशियल, दैट इज पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल. बड़ा वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो कितना वॉल्यूम है, 5 वी नॉट. पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, P final minus P initial, that is I think minus 4 P naught. बड़ा देखना क्या हो गया बड़ा, minus 50 आएगा, हाँ minus 50 आ गया, minus 50 times P naught. ये पता है, ये पता है, तो heat बड़ा कितना होगा इन दोनों का sum. Heat का लेन देन delta Q जो है वो minus 50 P naught V naught है. माइनस का क्या अर्थ है कि आपने सिस्टम से हीट बाहर निकाली है. कोई मुझसे पूछ ले कि सर सी से ए के प्रोसेस में आपने कितनी हीट बाहर निकाली है, तो मेरा जवाब होगा 50 टाइम्स पी नॉट वी नॉट. बढ़िया बेटा, मचा दी पन्ने. पूरे सिस्टम का वर्डन क्या होगा, जोड़ दो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तो जीरो है बेटा, मेरे ख्याल से 8 टाइम्स पी नॉट वी नॉट आ गया होगा. इसी वर्डन को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. कैसे, सिर्फ ये वाला एरिया, ये ट्राइंगल के अंदर का जो एरिया बाउंडेड है सिर्फ ये. और समझदार बच्चा इसके पीछे का लॉजिक भी समझ गया होगा. इसके पीछे का लॉजिक भी समझ गया होगा. वो कह रहा होगा कि सर ये जो 12 पी नॉट वी नॉट है ये तो सारा एरिया हो गया, इसमें से हमने ये 4 पी नॉट वी नॉट माइनस कर दिया क्योंकि माइनस एम के साथ है, तो इस पूरे एरिया में से आपने ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के अंदर कितना एरिया है वही लिखना पड़ेगा और वो हमारा 8 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा. समझ गए बेटा इस बात का. एरो बेटा अगर ऐसे होती तो माइनस 8 पी नॉट वी नॉट आता. व्हाट इज डेल्टा यू, जोड़ लो बेटा, मुझे पता है जीरो आएगा, जोड़ लो बेटा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, माइनस 10 प्लस 60 माइनस 50 कितना आ गया, जीरो. डेल्टा क्यू क्या होगा, दिस प्लस मस्ट बी इक्वल टू दिस, भाई डेल्टा यू प्लस वर्क डन शुड बी इक्वल डेल्टा क्यू, या फिर तीन अलग अलग प्रोसेस में कितना आपका डेल्टा क्यू है उनको जोड़ दो, दिस प्लस दिस कर दो, या बड़ा दिस प्लस दिस कर दो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस कर दो, या दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस कर दो. 70 में से ये कितना गया, सॉरी 72 में से 64 गया, बड़ा कितना बच गया 8. ये हमारा आंसर. आई एम रियली होपिंग कि बेटा तुम लोगों से सारा का सारा सवाल बना है, ठीक है, नहीं बना तो बेटा ऑफकोर्स है ना, आगे इस तरह का सवाल है तुमसे बनना चाहिए. मैं इसमें पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट करवाने के बाद आपसे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछने वाला हूं. मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि मैं उनसे क्या पूछने वाला हूं. बड़ा व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल, बड़ा इस साइकिल की एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन अपॉन क्यू इन इनटू 100, पूरे के पूरे सिस्टम का वर्क डन कितना है, पूरे के पूरे साइकिल का बड़ा वर्क डन है 8 पी नॉट डिवाइड बाई क्यू. क्यू का मतलब ये नहीं कि बेटा सारी हीट लिख दो, सारी हीट तो 8 पी नॉट वी नॉट है, वो थोड़ी लिखनी है, सिर्फ आपने कितनी हीट दी है. इन तीन प्रोसेस में से आपने हीट बाहर निकाली है इतनी, आपने हीट बाहर निकाली है इतनी, आपने हीट सिर्फ एक ही प्रोसेस में दी है और वो दी है 72 टाइम्स पी नॉट. परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100 पी नॉट वी नॉट.
बेटा मेरे ख्याल से 100/9% आ गया होगा, 11.11% आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है बेटा, 11.1% बेटा आपका आंसर आ गया। बेटा बहुत ही आसान सा सवाल था, आगे चले। इसमें कोई बच्चा कहता है कि सर आपने एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और सिखाया था, आपने कहा था कि एफिशिएंसी इज 1 - Q out / Q in × 100। सर इससे भी आंसर आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? 1 - Q out, यहां पर क्यू आउट, यहां पर क्यू आउट, बड़ा 50 and 14, कितना क्यू आउट हो गया? 64 टाइम्स पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई क्यू इन, क्यू इन है 72 टाइम्स पी नॉट वी नॉट मल्टीप्लाई विथ 100, बड़ा आपका आंसर वही ऑप्शन है। समझते बेटा, एक और करते हैं। चलिए बेटा, एक और ही नहीं बेटा, दो तीन तो और करने पड़ रहा हूँ, दो तो एटलीस्ट करेंगे यार, है ना। और ऐसा आपको कोई बोरिंग भी नहीं लग रहा होगा, है ना, क्योंकि हम इसमें प्रोसेस सारे देख रहे हैं। हमने अब तक जितने प्रोसेस पढ़े हैं उन सारे के सारे प्रोसेस का वर्क डन निकालना हुआ, डेल्टा क्यू निकालना हुआ, डेल्टा यू निकालना होगा, सब आ रहा है इसके अंदर। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बोरिंग तो नहीं लगा होगा यार, है ना। ठीक, चलिए बच्चों, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और कोई गैस है बेटा, वो तीन अलग अलग प्रोसेस, सॉरी बेटा तीन प्रोसेस से एक्सपेंड कंप्रेस, एक्सपेंड कंप्रेस ऐसे हो रही है। गैस है अमोनिया, यहां पर आपका वॉल्यूम है वी नॉट, प्रेशर है पी नॉट। बड़ा फिर वॉल्यूम तो उतना ही रहा और प्रेशर बड़ा हो गया है लेट से 4 times P नॉट, फिर बड़ा आपका ये हो गया है 3V नॉट, 5V नॉट लिया बड़ा, नाम निकाल लेते बड़ा। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, बड़ा इसे सी बोल दिया। टेक योर टाइम, आराम से बड़ा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले बड़ा अपना चार्ट कंप्लीट करें, फिर बड़ा अपने बाकी कहानी कंप्लीट करें। सबसे पहले बेटा आप उस प्रोसेस का वर्क डन लिखें, फिर आप उस प्रोसेस का डेल्टा यू लिखें, फिर उस प्रोसेस में आपने हीट का कितना आदान प्रदान किया है वो लिखें। ये काम आपको बेटा तीनों प्रोसेस के लिए करना है, ए बी के लिए भी करना है, बी सी के लिए भी करना है, सी ए के लिए भी करना है, और फिर तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे साइकिल के निकालना है, जोड़ना ही तो है, ए से बी, बी से सी, सी से जोड़ना ही बड़ा। उसके बाद टेक योर टाइम, और जब ये सारा काम हो जाए तो फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, बड़ा साइकिल की एफिशिएंसी भी निकालें। ठीक है बच्चों, ये सारा काम करना है यार, कर दो। बहुत ही आसान से काम बेटा, आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा ऐसा एक और सवाल लाएंगे आगे ना, पहले ये निपटाओ फिर अगला करते हैं। कर लिया ट्राई? चलिए, नहीं किया थोड़ा पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है ना। मैं तो करूँ सवाल, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। ए से बी, अरे बेटा क्या कहते हैं उसको, आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। ए से बी तक प्रेशर कितना है? पी नॉट। डेल्टा वी कितना है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज -4 times V नॉट, दैट इज -4 times P नॉट वी नॉट।
तो ए से बी तक का जो वर्डन है वो बड़ा माइनस फोर पी नॉट वी नॉट है। ए से बी का जो वर्डन होगा बड़ा वो इस एरिया के बराबर आएगा, बस माइनस साइन के साथ आएगा बड़ा, माइनस के साथ क्यों, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। ए से बी तक इस आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा, अमोनिया, अमोनिया बड़ा आपकी पॉलीटोमिक गैस, वो भी ऑफकोर्स नॉन लीनियर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सिक्स, सिक्स बाई टू एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी के हम रिटर्न एस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, पी को बड़ा निकाल लो बाहर। ए से बी तक प्रेशर कॉन्स्टेंट है पी नॉट इंटू डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बड़ा दैट इज माइनस फोर टाइम्स वी नॉट, माइनस ट्वेल्व टाइम्स पी नॉट वी नॉट। ए से बी तक बड़ा हीट का आदान प्रदान क्या होगा, आप बोलो सर हीट इज ऑलवेज वर्क डन प्लस डेल्टा यू दैट कम्स आउट ऑफ माइनस सिक्सटीन टाइम्स पी नॉट वी नॉट। माइनस का मतलब क्या है कि हीट हमने बाहर निकाली है। ए से बी तक बड़ा आपने हीट बाहर निकाली है और सिस्टम में से आपने हीट बाहर निकाली है सिक्सटीन टाइम्स पी नॉट वी नॉट। बी से सी वेरी सिंपल आइसोकोरिक प्रोसेस बड़ा वॉल्यूम तो फिक्स है, वर्क डन विल बी जीरो, डेल्टा यू इज एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी इज पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, बड़ा पूरे रास्ते वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, वॉल्यूम है कितना वी नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल दैट इज माइनस थ्री पी नॉट, बड़ा मेरे ख्याल से ये आ गया माइनस नाइन टाइम्स पी नॉट। दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया माइनस नाइन टाइम्स पी नॉट वी नॉट। माइनस का अगेन अर्थ क्या है कि आपने बड़ा, अरे बड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल प्लस 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 बड़ा डेल्टा क्यू पॉजिटिव आया है, आपने हीट दी है, कितनी हीट दी बड़ा आपने, आपने हीट दी है सिक्स टाइम्स पी नॉट वी नॉट, हीट दी है तो ना एरो ऐसा लगा दी, ठीक है। सी से ए पता नहीं कौन सा प्रोसेस है सर, प्रोसेस का पता नहीं, वर्क डन कैसे निकालूं, अरे बड़ा वर्क डन तो निकल जाएगा हमारा, वर्क डन निकालने के लिए प्रोसेस एग्जैक्टली पता हो वो जरूरी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो, खासतौर से अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो। तो सी से ए का अगर वर्डन निकालना है तो पहली बात तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्डन पॉजिटिव आएगा, और जो भी वर्डन आएगा वो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का जितना एरिया है उसके बराबर, इसके नीचे का एरिया क्या होगा, मैं बेटा ऐसे, इसके नीचे का जो एरिया होगा बेटा वो शेडेड एरिया है ये वाला एरिया होगा कितना, बेटा मेरे ख्याल से ये वाला एरिया होगा ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया होगा बेटा बोलना क्या फॉर्म होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस इज पी नॉट दिस इज फोर पी नॉट बट दैट कम्स आउट टू बी फाइव पी नॉट इंटू दिस सेपरेशन दैट इज ऑफकोर्स फोर वी नॉट, बट मेरे ख्याल से तो टेन पी नॉट वी नॉट आ गया, बड़ा कितना आ गया टेन पी नॉट। डेल्टा यू क्या होगा, बट डेल्टा यू के लिए प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल चिल बैठे हैं, दैट इज एफ बाई टू बड़ा बोलना सिक्स बाई टू एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी इज पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, पी फाइनल वी फाइनल फाइव टाइम्स पी नॉट वी नॉट माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल फोर टाइम्स पी नॉट वी नॉट। फाइव माइनस फोर बड़ा वन थ्री, इन दोनों का समेशन किया तो इस प्रोसेस में कितनी हीट होगी बड़ा मेरे पास वो आ गई दैट इज थर्टीन टाइम्स पी नॉट वी नॉट, दैट इज थर्टीन टाइम्स पी नॉट। व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, जोड़ लो बड़ा जोड़ा मेरे पास कितना आ गया सिक्स टाइम्स पी नॉट वी नॉट। ये वर्क डन हम एक स्टाइल से और निकाल सकते थे, कैसे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया इस ट्राइंगल के अंदर अंदर का एरिया, और हम इसका इसके पीछे का लॉजिक भी समझ गए कि भाई ये जो 10 पी नॉट वी नॉट है ना ये तो सारा एरिया था, ये जो 4 पी नॉट वी नॉट है ना वो ये एरिया है, माइनस के साथ जोड़ना है इसका, इसे घटाना है तो सिर्फ ये वाला बचा, और ये वाला एरिया क्या होगा, हाफ ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
हाफ इंटू फोर वी नॉट इंटू थ्री पी नॉट, बट आपका वापस आंसर आ गया सिक्स पी नॉट, डायरेक्ट आंसर है। वाट विल बी द डेल्टा यू, बड़ा जोड़ के देख लो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जीरो आएगा, डेल्टा यू आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, बड़ा जोड़ देना मेरे ख्याल जीरो आएगा। डेल्टा क्यू क्या आएगा, अलग अलग प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या है उनको जोड़ो, उनको मैंने जोड़ा थोड़ा, मेरे ख्याल से दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, और ये 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 इन सब का सम भी बेटा यही आना चाहिए। 13 एंड बेटा 9 कितना हो गया 22, 22 माइनस 16 कितना हो गया 6 पी नॉट वी नॉट। सारा काम हमने बढ़िया तरीके से कर दिया। कोई मुझसे पूछ ले कि एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी वर्क डन अपॉन Q in multiply with 100, वर्क डन मेरे पास आएगा 6 टाइम्स P नॉट V नॉट डिवाइड बाई कितनी हीट दी है, पूरी नहीं बेटा, पूरी लिखोगे तो 100% आंसर आएगा, 100% नहीं आएगा, सिर्फ Q in, Q in आप बेटा इस पूरे पूरे सिस्टम में दो बार हीट दी है, ये 6 टाइम्स P नॉट V नॉट हीट दी है और ये 13 P नॉट V नॉट हीट दी है, आपने कुल मिलाकर सिस्टम को हीट दी है 19 टाइम्स P नॉट V नॉट, 13 प्लस 6 बड़ा कितना हो गया 19 मल्टीप्लाई विद बड़ा क्या जाएगा 100, आई थिंक बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी 600 अपॉन 19% इज एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है बड़ा वो आपके पास कितनी बड़ा 600/19। इसी एफिशिएंसी को तुम एक स्टाइल से और निकाल सकते थे, कैसे, 1 क्यू आउट अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाई विद 100, हालांकि एक ही बात बेटा 1 क्यू आउट बेटा पूरे रास्ते में से क्यू आउट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हुआ है, कहां पर हुआ है ये वाला 16 अपॉन क्यू इन, बड़ा क्यू इन मतलब कितनी हीट दी है बड़ा, आपने कितनी हीट दी है 19 दी है। बड़ा सॉरी 9 थोड़ा मैंने गलत लिख दिया बड़ा, बी से सी जो हीट आई थी वो 9 आई थी, मैंने गलती से 6 लिख दिया, 9 थी तो बड़ा यहां पर 9 आएगा, तो बेटा ये 900/19 ठीक है, वर्क सॉरी वर्क डन तो कितना था 6 पी नॉट वी नॉट, ठीक है वर्क डन था 6 पी नॉट, क्यू इन कितना होगा दिस प्लस दिस 13 एंड 9 बेटा कितना हो गया 22, सॉरी बेटा दैट इज 6/22, 6/22 इज बड़ा 300/11%, वो मैंने बड़ा गलती से यहाँ पर 6 लिख दिया था, बी से सी तक आपने जो हीट दिया दैट इज 9 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। चलिए बेटा इस फॉर्मूले से 1 क्यू आउट अपॉन क्यू इन, क्यू आउट कितना है बेटा क्यू आउट है 16 पी नॉट वी नॉट, क्यू इन कितना है 13 और 9 बेटा कितना 22, पी नॉट वी नॉट कैंसिल इनटू 100 बेटा 22 माइनस 16 कितना हो गया 6/22 बेटा कितना हो गया 3/11, तो ऊपर आ गया 300 बेटा नीचे आ गया 11%, ये आ गया बेटा आपकी एफिशिएंसी। तो कैसा भी साइकिल क्यों ना हो हम बड़े आराम से इस तरीके से एफिशिएंसीज निकाल सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं अगला सवाल बेटा, अगला सवाल बच्चों आराम से इत्मीनान से करना, अगेन काम बेटा मोर और लेस वैसा ही है, कोई नया काम नहीं है, बस इस बार मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ नहीं बना रहा, ऐसे ही मुझे लगता है कि बेटा मैं कोई और ग्राफ बना के दिखाया तुम लोग है। चलो आपके पास बेटा इस तरफ है टेम्परेचर, इस तरफ है वॉल्यूम, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस बेटा, ये स्ट्रेट लाइन से गुजरने वाला है, यहां पर बड़ा आपका वॉल्यूम है V1, यहां पर बड़ा आपका वॉल्यूम है
यहां पर आपका टेम्परेचर है टी, यहां पर आपका टेम्परेचर है फाइव, टी नॉट टी नॉट बेटा, यहां पर आपका वॉल्यूम है वी नॉट। एन मोल्स है आपके पास नाइट्रोजन गैस के और ये प्रोसेस है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, पहले ए से बी, फिर बड़ा बी से सी, फिर सी से ए। एन मोल्स नाइट्रोजन गैस के हैं और ये कहानी है। ये मत सोचना कि सर कहाँ यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मिस्ड है, बड़ा कोई इन्फॉर्मेशन मिस्ड नहीं है, सब बढ़िया तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। चलिए बच्चों, चलो एक काम करो बेटा, पहले प्रोसेस का नाम लिख दो, हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, चलो लिख दो, फिर उसके बाद उस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है वो लिख दो, उस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज है वो लिख दो, और फिर आपकी हीट का आदान प्रदान क्या है वो लिख दो। पहले ये वाला काम करो ए से बी के लिए, फिर बड़ा यही काम करो आप बी से सी के लिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला काम करो तुम सी से ए के लिए, और आखिर में ऑफ कोर्स ए से बी, बी से सी, सी से ए, पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए। आराम आराम से, टेक योर टाइम। एन मोल्स बड़ा गैस के हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम बड़ा काफी हद तक ये रिलेशन हम लोगों को गिवन है। चलिए बच्चों करिए ट्राई कीजिए। सबसे पहले ए से बी, बड़ा ए से बी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा होगा आइसोथर्मल, वो भी आइसोथर्मल कंप्रेशन है बेटा, आइसोथर्मल कंप्रेशन है क्योंकि आपका वॉल्यूम तो घट रहा है। सर लेकिन वॉल्यूम कहां से कहां तक घटा, सर यहां वाला वॉल्यूम तो विनोट है, सर यहां वाला वॉल्यूम मेरे को पता नहीं है, बड़ा सब पता है तेरे को, लॉजिक तो जानता है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन है, ये छोटा चिन्ना वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो बड़े आराम से लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टी नॉट अपॉन वी नॉट शुड बी इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है फाइव टी नॉट डिवाइड बाई, यहां से अंत तक मैं बोलूंगा वी मान लेता हूं, बड़ा वी सॉल्व करते मेरे पास फाइव वी नॉट आ गया, तो ये वाला वॉल्यूम मेरे पास फाइव वी नॉट। आगे चल बेटा, ए से बी प्रोसेस का वर्क डन लिखो, बड़ा पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हुआ करता था एन नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, एन आर टी पूरे रास्ते टेम्परेचर है टी नॉट, log of v final upon v initial that is v naught upon 5 v naught, बड़ा मैं इसको minus n r t naught ln 5 भी लिख सकता हूं, ln 1 by 5 लिखो या बेटा minus ln 5 लिखो, एक ही बात है बेटा, वर्क डन नेगेटिव आएगा कोई बात नहीं बेटा, आना भी चाहिए, वॉल्यूम घटा है वर्क डन नेगेटिव आएगा, व्हाट इज डेल्टा u, फालतू बात, जीरो। What is delta Q? Delta Q is of course n r t naught ln 5. बड़ा A से B तक जो प्रोसेस है उसका डेल्टा Q नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने हीट बाहर निकाली है, कितनी हीट बाहर निकाली है आपने, हीट बाहर निकाली है n r t naught ln 5। सर इस बार आपने माइनस नहीं लगाया, बड़ा माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने दिखा रखा है कि हीट तो बाहर निकली है, तो वहां पर लगाने की जरूरत है। B से C सबसे आसानी बेटा यही है, कोई दिक्कत नहीं है, बी से सी में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, थोड़ा याद करो मैंने तो सिखा रखा है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, फॉर्मूला हुआ करता था पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। चलो मैं एक काम करता हूँ, एन और आर को नीचे ले आता हूँ,
टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब बाकी सब कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल और आर तो वैसे कॉन्स्टेंट है, प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है, तो पक्की बात है कि ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। अगर आप चाहो तो नोट्स में चेक कर लेना, आइसोबैरिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के ग्राफ को अपन ऐसे स्ट्रेट लाइन ही दिखा भी रखा था, भरोसा रखो दिखा रखे। आप कह सकते हो कि अरे ये तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, बेवकूफ बना रखे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम थोड़ी बनेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। वर्क डन का फॉर्मूला, बच्चे जोर जोर से घर बड़े बड़े चिल्ला रहे हैं पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। अरे बेटा पी डेल्टा वी तो ठीक है, लेकिन यहां पर प्रेशर तो नहीं रखा, तो पी डेल्टा भी तुम्हारे इतने काम का नहीं है। तो सर फिर क्या करें, एनआर डेल्टा टी। मैंने अगेन आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपको सिखा रखा है कि वर्डन के दो फॉर्मूले हैं, पी डेल्टा वी और एनआर डेल्टा टी। तो वर्डन का फॉर्मूला आ गया एनआर डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और मेरे पास ये आ गया है 14 नॉट। दिस इज द वर्क डन। व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू वेरी सिंपल, हाइड्रोजन, सॉरी बेटा कौन सी, नाइट्रोजन गैस है, F by 2 डायटमिक है ना, एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, आई थिंक इट कम्स आउट विद 10 टाइम्स एन आर टी नॉट। दोनों को मैंने जोड़ा तो ये मेरे पास आ गया 14 टाइम्स एन आर टी नॉट। दोनों को जोड़ा तो मेरे पास हीट आ गई, बड़ा हीट तो पॉजिटिव आई इस बार, हीट पॉजिटिव आई है, इसका मतलब आपने सिस्टम को हीट दी है। यहां से यहां तक जाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, और हीट की जो वैल्यू है बड़ा वो है 14 टाइम्स एन आर टी नॉट। सी से ए, अरे यार ये तो ऐसे ही है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, आइसोकोरिक, बड़ा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है आइसोकोरिक। वर्क डन क्या होगा, जीरो, बड़ा वर्डन जीरो लिख दो, काम बन गया अपना तो। हाँ बेटा क्या वर्डन क्या आएगा, जीरो। डेल्टा यू, बेटा डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यही तो होता है एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दिस माइनस 14 नॉट आ गया, माइनस 10 टाइम्स एन आर टी नॉट। दोनों को ऐड किया तो हीट आ गई है माइनस 10 टाइम्स एन आर टी नॉट। बड़े माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि आपने हीट बाहर निकाली है। तो सी से ए तक आने के लिए आपको सिस्टम में से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू होगी 10 टाइम्स एन आर टी नॉट। माइनस यहां क्यों लगाया, हीट बाहर निकल रही है, तुम शुरुआत से मान ही रहे। व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस कैन बी नेम्ड, ऑफ कोर्स साइक्लिक, व्हाट विल बी द वर्क डन, बड़ा वर्क डन विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस। जैसे मैंने जोड़ा एन आर टी नॉट तो कॉमन आ गया, 4 माइनस एल एन 5, मैंने सही तो लिखा बेटा 4 माइनस एल एन 5। ऐसे एल एन 5 में आंसर छोड़ सकते, बड़ा ऑप्शन ही ऐसे होंगे, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि अरे सर मैं इस ट्रायंगल का एरिया ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, होंगे कुछ ऐसे बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे कि अरे सर आप भी कहाँ ये काम कर रहे हो, पूरे प्रोसेस का अगर वर्डन निकालना तो ये एरिया ले लेता हूँ। अबे एरिया प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का लेते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम ग्राफ नहीं लेते हैं। ग्राफ से अगर आपको वर्डन निकालना है गैस का तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होना चाहिए। ये किसका ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है बड़ा प्रेशर और सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर का, इनका थोड़ी एरिया ले लेंगे, आसान है तो मतलब ऐसे एरिया ले लेंगे। डेल्टा यू क्या होगा, निकाल लो मेरे ख्याल से जीरो होगा, दिख भी रहा बड़ा जीरो, टेन आर टी नॉट माइनस टेन आर टी नॉट जीरो। व्हाट विल बी डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू विल बी ऑफकोर्स इस प्रोसेस का डेल्टा क्यू, इस प्रोसेस का डेल्टा क्यू, इस प्रोसेस का डेल्टा क्यू, इन सबको जोड़ दो तो यह आ जाएगा, या दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये तो जीरो, यही आंसर आना चाहिए। 40 माइनस 10 तो 4 एन आर टी नॉट तो आ गया, ये आपके पास बेटा आपका डेल्टा क्यों आ गया। बढ़िया बेटा, हमने सारा काम अच्छे से इसमें निपटा दिया है, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस पूरी की पूरी साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, बड़ा इस पूरी की पूरी साइकिल की एफिशिएंसी परसेंटेज में होगी वर्क डन अपॉन क्यू इन इनटू 100। वर्क डन मेरे पास है एन आर टी नॉट
4 माइनस ln 5 डिवाइड बाय क्यू इन। क्यू इन में सिर्फ और सिर्फ वही हीट लिखनी है जो आपने सिस्टम को दी है। इसमें से इस प्रोसेस में हीट निकाली है, इस प्रोसेस में हीट निकाली है, सिर्फ इस प्रोसेस में हीट दी है, और जो हीट दी है बड़ा उसकी वैल्यू है 14 टाइम्स एनआरटी नॉट मल्टीप्लाइड विथ 100। एनआरटी नॉट कैंसिल, बड़ा आंसर कम्स आउट बी 4 माइनस ln 5 अपॉन 14 इंटू 100। ऑफकोर्स द आंसर इज इन परसेंटेज। बड़ा ही आपका आंसर, बड़ा ही आपका आंसर। ठीक है बेटा, बहुत इतना टफ काम तो नहीं लगा हुआ। हाँ ये जरूर बेटा, अपनी प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हुई है। चलिए बेटा, अगर आपको बेटा इसमें से ना शीट वगैरह बेटा वो तो तुम कर ही सकते हो, बाकी बेटा तुम चाहो तो ना HCV के अंदर कुछ देख सकते हो। HCV पार्ट 2 के अंदर बेटा, HCV जो बुक है उसमें अगर आपको बेटा कुछ करने का मन हो तो HCV पार्ट 2 के अंदर बेटा एक चैप्टर है KTG नाम से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बिल्कुल शुरुआत में ही है बेटा, बिल्कुल शुरुआत में ही है। तो उसमें आप ना, हालांकि बेटा कुछ टॉपिक्स इसमें से ऐसे आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, तो मैं ना सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस में है बड़ा वही क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुम सुन सकते हो बड़ा, उसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो बड़ा तुम लोग 1 से लेकर 7 तक 1 to 7 कर लेना। उसके बाद बड़ा वैसे बैरोमीटर वगैरह के भी सवाल हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा तो वहाँ कभी काम आए तो यूज़ कर सकते हो उसको। बाकी अपन लोग बेटा ठीक है, बैरोमीटर वगैरह फ्लूड वगैरह में हल्का फुल्का तो पढ़ेंगे, अपन ने इस टाइम भी हल्का फुल्का तो पढ़ा ही था। फिर आप 11 से लेकर 12 ये बेटा आप सोल्ड एग्जाम्पल में से कर लेना। 15 और 16 भी कर लेना बेटा, 15 and 16। ये तो बड़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम से चैप्टर है। फिर उसके बाद एक चैप्टर नंबर 26 होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम से। ठीक है बच्चों, अभी मैं उनमें अनसॉल्व एग्जांपल्स नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए आपको सॉल्व एग्जांपल्स ही दे रहा हूँ। ठीक है ना, सो अनसॉल्व अपन बाद में कर लेंगे। इसमें आप बेटा अगेन साइक्लिक से ही स्टार्ट है, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर नाइन तक कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। खूब सवाल हो गए, अभी तक मैंने इसमें अनसॉल्व एग्जांपल्स नहीं दिए, सॉरी अनसॉल्व एक्सरसाइज वाले सवाल नहीं दिए, सिर्फ मैंने सॉल्व एग्जांपल्स याद करने के लिए दिए। ठीक है, एक बार ये करो फिर और करते हैं आगे।